आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। पहली क्लास में खाना नंबर 3 तक मैं काफी कुछ बोल गया था आप लोगों के सामने। आज हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 4, माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ की गोद, इससे संबंधित बोलना शुरू कर रहा हूँ। सभी लोग म्यूट रहना, जो भी नए नए आ रहे हैं। खाना नंबर 4 का ताल्लुक है हमारी माता से, हमारी माता की गोद से, समंदर के सफर से। अगर चौथा नंबर अच्छे हालात का हो तो समंदर का जो किया हुआ सफर है वो खुशियां लेके आएगा, फायदा लेके आएगा, नफा लेके आएगा, लाभ लेके आएगा। खाना नंबर 4 का संबंध चंद्र की चीजों से, हमारी माता से, हमारी माता के खानदान से, हमारी मासी से, हमारी माता की बहन मासी से, हमारी फूफी से, फूफी मतलब बुआ, और साथ में हमारी माता खानदान का मकान कैसा होगा, पीछे मतलब हमारी माता के मायके का मकान कैसा होगा, हमारी फूफी का मकान कैसा होगा, हमारी मासी का मकान कैसा होगा, उनके मकान तक की इतला जानकारी खाना नंबर 4 से मिल जाती है। मोती जो समंदर से निकलते हैं वो भी चंद्रमा से संबंधित हैं, लेकिन वो मोती जिनमें माला बनाने के लिए छेद ना किए गए हो, ये ध्यान कर लेना। वो मोती नहीं जो आपने पहन लिया, माला जड़वा ली, हार बनवा लिया, या कान में, बहुत सी महिलाएं कानों में भी मोती डाल लेती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। वो मोती नहीं जिसमें छेद हो गया, वो मोती जो अंगूठी में जड़ा जा सकता है, वो मोती, क्योंकि उसमें छेद नहीं होता, बिना छेद का अनविद मोती, ये ध्यान कर लेना, बिना बिंधा हुआ। और आजकल तो समंदर से मोती भी बहुत कम निकलते हैं, ज्यादातर मोती हमें जो मिलते हैं वो कल्चरल मोती हैं, वो छोटे मोटे तालाब में भी पैदा किए जा सकते हैं। जवानी का समय मतलब 25 साल से 50 साल की उम्र का समय खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह बताएगा कि कैसा गुजरेगा। लेकिन खाना नंबर 4 के ग्रह का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना कि बस खाना नंबर 4 में देख लिया सूरज, शुक्र, शनि, मंगल, राहु कौन बैठा है। नो, चंद्रमा को भी देखिए कहाँ बैठा है। खाना नंबर 4 में जो ग्रह बैठा है उसके पक्के घर में कौन उसका साथी ग्रह बैठा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। इस तरीके से 4 का मतलब सरल शब्दों में बोल दूं, ये नहीं होगा कि जो 4 में बैठा है बस। नो, ऐसा गलती कभी भी मत करना कि 4 में मैंने बोल दिया कि खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को बहुत खुल खुल के बताने के बाद भी लोगों का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इस बात को भी समझ लेना। खाना नंबर 4 में जो ग्रह बैठा है वो देखा जाएगा, नो डाउट। उसके पक्के घरों में जो ग्रह बैठे हैं वो उसके साथी ग्रह हैं। अगर खाना नंबर 4 में, एक उदाहरण, मंगल बैठ गया, मंगल के घर पक्के 3 में, 1 में या 8 में केतु बैठ गया या बुध बैठ गया, बात को समझने की कोशिश करो। साथी ग्रह का जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, एक है साथ और एक है साथी। साथ तो जो ही है जो मुश्तरका है, कोई भी 2 ग्रह 3 ग्रह हो गए इकट्ठे मुश्तरका, वो है साथ। साथी वो है जैसे कि मेरे घर पे इस समय मेरी धर्मपत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, वो मेरे साथी हैं जो मेरे घर पे बैठे हैं। मैं ऑफिस में हूं लेकिन वो मेरे साथी हैं, सूत्र को समझने की कोशिश करना, और उनका असर मेरे ऊपर ना हो। क्योंकि एक बात एक ध्यान कर लीजिए कि लाल किताब, अनविदाओं की बात मैं नहीं कर रहा, लाल किताब को ऐसे पढ़ो उसमें जो भी ग्रह हैं उनको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये हमारे परिवार के मेंबर हैं, तो ये निकल के आएगा आपके सामने साथी ग्रह।
साथी गिरे मतलब मेरे घर में बैठे हुए गिरे मेरे साथी होंगे, दुश्मन के घर में बैठे हुए मेरे साथी नहीं होंगे, मेरे घर में बैठे हुए लोग मेरे साथी होंगे। और यहां साथी गिरे पे एक और बात बता देता हूं, मित्र और शत्रु का भी असर आएगा। जैसे कि मेरे घर में मेरा मान लीजिए कुछ ही कुछ परिवारों में चाचा ताऊओं से भाइयों से जमीन जायदाद के विवाद होते हैं, लेकिन वो रहे एक ही घर में रहे हैं, लेकिन विवाद होने के कारण वो साथी गिरे फिर कैसा हो गया, नुकसानदायक, ऐसे समझो। इसलिए ये मैंने कहा कि मान लो मंगल चौथे घर में बैठा है और आप किताब को भी पढ़ेंगे जब, तो किताब ने अभी क्या बोला है कि मंगल चार के समय तीन में या आठ में मंगल का जो घनघोर बैरी है बुध और केतु बैठ जाए तो मंगल चार बहुत बुरे दर्जे पे बुराई दे देता है, क्योंकि आठ भी मंगल का है तीन भी मंगल का है और चार में मंगल पद होता है एक भी मंगल में, लेकिन उस एक के साथ वो संबंध नहीं है। उसका कारण जब आप गहराई में जाके देखेंगे, खाना नंबर एक और चार साझे घर भी हैं। सूत्र को समझने की कोशिश करना, साझे घर भी हैं मतलब मित्र गृह होंगे तो मिले हुए हैं, जुदा जुदा हो जाएंगे दूर होते ही मतलब दुश्मन होते ही। तो खाना नंबर एक नहीं जोड़ा है इस कॉन्सेप्ट में, कुछ समझने की कोशिश करिए मैंने क्या बोला है, ये बहुत बड़ा सूत्र है, इस पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अनिल महाजन जी आप कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप इधर उधर है, आप मुझे फोकस कर रहे होते तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मंगल चार में खाना नंबर तीन मंगल का, खाना नंबर आठ मंगल का, वहां पे जो कि मंगल के सबसे घनघोर बैरी है जिनके कारण मंगल खराबी पे आ जाता है बुध और केतु, वो बैठे हो तो मंगल हद दर्जे का बैरी कमीना बन आ जाएगा मंगल में। क्यों? ये साथी का असर है, क्योंकि मंगल चार मंदा नीच का होके और नीच के ग्रह का साथी ग्रह वो उसकी बदी को बढ़ा देगा। सूत्र समझ लो, साथी ग्रह का मतलब भी कोई हमेशा अच्छा नहीं होता। मैंने जैसे अभी बोला कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरा संबंध है, मेरे साथ फेरे डाले हैं, मेरा बेटा है, मेरा पिसर है, बात को समझिए, मेरी बेटी है, ये संबंध मित्रता भरे प्रेम भरे हैं। लेकिन अगर मेरे ही घर में किसी मान लीजिए मैं बेटे से ही कोई विवाद हो मेरा, उदाहरण के लिए विवाद भी तो हो सकता है ना, और वो मेरे घर में है तो मैं अपसेट होऊंगा, भाई से मेरा विवाद है तो मैं अपसेट होऊंगा, ताऊ से मेरा विवाद है तो मैं अपसेट होऊंगा, और विवाद होने का कारण वही आएगा, भाई के लिए मंगल, बहन के लिए बोध, पत्नी के लिए शुक्र, बेटे के लिए केतु, वही आएगा। अब दूसरी बात, लेकिन पंडित रूपचंद जोशी के दिमाग में झांकने की कोशिश करिए, यानी कि लाल किताब में, उनके दिमाग में झांकने का मतलब अब तो मैं है नहीं इस दुनिया में, उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करिए, उन्होंने खाना नंबर एक का ग्रह खाना नंबर चार के साथ और किताब में, जब आप साझे घरों का सिस्टम पढ़ेंगे तो एक के साथ दो, दो के साथ तीन, और उसमें केंद्र के घर भी एक दूसरे के साथ साथी ग्रह हैं, एक सा खाना नंबर एक चार के साथ है साझा, चार सात के साथ है साझा, सात दस के साथ है साझा, दस एक के साथ है साझा, और दस और एक में समझिए, दस और एक में एक स्पेशल कंडीशन है कि वो धोखे का भी हो जाता है। लेकिन पंडित रूपचंद जोशी ने सूत्र को बहुत गौर से सुनना, बहुत बड़ा सूत्र है बेसिक क्लास में, कि खाना नंबर एक में अगर बुध और केतु बैठ जाएं तो उन्होंने मंगल बिगड़ेगा ये चीज नहीं लिखी है, लेकिन वहां साथी ग्रह बन रहा है मंगल के साथ। और सुन लो, साझी दीवार भी है एक और चार, लेकिन फिर भी पंडित जी ने एक को उसे क्यों नहीं, क्योंकि दुश्मन ग्रह मिलते नहीं है इसलिए। तो मेरा जो कहने का उद्देश्य होता है कि रूपचंद जोशी साहब की दिमाग में बनी हुई खिड़की में झांकने की कोशिश करिए, और वो किताब से ही समझ आएगी। अब जब मैंने एक और इसके लिए बोला चार के लिए कि ये नहीं मिलते हैं, तो अब आप कहेंगे तीन और चार भी तो नहीं मिलते हैं है ना, लेकिन तीन घर में मंगल की अलग क्वालिटी है, खाना नंबर एक में मंगल अलग तरीके का है, इस बात को भी ध्यान करिए इसलिए। और मैं फिर बता दूं, जितना पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा।
जवानी का वक्त, 25 साल से 50 साल की उम्र के बीच में जो हालात होंगे वो खाना नंबर 4 से संबंधित होंगे। 4 में बैठे हुए घर के हालात, 4 में जो गिरे बैठा है उसके हालात से, साथ साथी वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, उसके अलावा खाना नंबर 4 के लिए बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और सुन लीजिए, क्यों देखना पड़ेगा? चंद्रमा का खाना नंबर 4, उसको रोशनी देने वाला, उसको जीवन दान देने वाला ग्रह चंद्रमा। और अगर चंद्रमा किसी के साथ खुश होता है तो वो है बृहस्पति, जो कि उस घर में ऊंच का भी होता है। सूत्र को समझो। जब मैं ये बोलूं कि खाना नंबर 4 के ग्रह के अनुपात में जीवन गुजरेगा, खाना नंबर 4 से संबंधित जो सुख दुख हैं वो, लेकिन वो खाना नंबर 4 में बैठे हुए ग्रह तक मत अटक जाना, उसके साथ साथ बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा को भी गौर फरमा लेना। और नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, खाना नंबर 4 आपके घर मकान में भी ये बता देगा कि वहां क्या ग्रह बैठा है आपके टेबे में, और आपके घर में उस नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट पे क्या रखा हुआ है 45 डिग्री पे, यही बता देगा। हमारे मकान की जमीन, जिस पे हमारा मकान बना हुआ है, तय जमीन, खाली खाली तय जमीन, बना हुआ मकान की बात नहीं कर रहा हूं, खाली तय जमीन जिस पे हमने कभी बनाया या आगे हम बनाने वाले हैं, हमारा दिल, दूध, हमारी धन दौलत और व्यक्ति का एक नेचुरल झुकाव किसी भी, मतलब उसकी तबीयत का, यानी कि ऐसे कह सकते हैं उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति। और अगर हम क्याफी से संबंधित बात करें, जो कि पामिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, हमारी उंगलियों की बनावट से भी जुड़ी हुई है, तो वहां पे खाना नंबर 4, चक्कर, शंख, सदफ, हमारी उंगलियों पे जौ के निशान, इस खाना नंबर 4 में शुक्र राशि फल का होगा, मंगल भी खाना नंबर 4 में राशि फल का होगा, और यहाँ मंगल बद भी हो सकता है और मांगलिक तो होता ही होता है। अगर कोई ये कहे कि लाल किताब में मांगलिक नहीं बोला गया है, तो आप मेरे से मैं उसको मेरा नंबर दे देना कि मांगलिक कहाँ बोला गया है, मैं बता दूंगा। मंगल को लाल किताब में, बहुत सारे लाल किताबी मंगल बद कहते हुए मिलेंगे, लेकिन मांगलिक कहते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पंडित जी ने जहां मांगलिक बोला है मंगल 4 के लिए, वहां मंगल बद का सिम्टम बोला है, मैं आपको बता दूं। और जो वैदिक सूत्रों में, मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वैदिक सूत्रों पे आ जाता हूँ, वैदिक सूत्रों में जब मंगल 4 की बात की जाती है, मांगलिक की बात की जाती है, वहां पे खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, 7, 8 और 12 घरों में हो तो मांगलिक बोला जाता है। लेकिन खाना नंबर 4 में और 8 में मंगल बद आसानी से हो जाता, वो भी सूत्र सारे अप्लाई करोगे, जैसे मैंने अभी बुध और केतु के थोड़े से सूत्र आपको दिए, शुक्र नौमे का हो, बुध नौमे का हो, इस तरीके से मंगल केतु के साथ मिलके भी कई बार मंगल बद का कारण बन जाता है, मंगल बुध के साथ मिलके भी कई बार मंगल बद का कारण बन जाता है, वो चीजें आप कंटिन्यू करिए। लेकिन जो वैदिक सूत्रों में मंगल बद बोला गया, मांगलिक बोला गया है, उसका कारण पहले समझिए। मंगल की वहां पे दृष्टियां लाल किताब से अलहदा हैं, वहां पे एक सातवीं दृष्टि है जो 10वें घर पे जाएगी, एक चौथी दृष्टि है 4 से वो 7 पे जाएगी, और एक आठवीं दृष्टि है वो 11 पे जाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि जब मंगल चौथे घर में बैठ के मांगलिक बनाएगा तो 7वें घर को वो जहरीली दृष्टि से देखेगा, गर्म दृष्टि से देखेगा, 7वां घर वहां भी जीवन साथी का ही है, तो जीवन साथी पे आँच आएगी। फिर वो कहते हैं कि 10वें घर को देखेगा, 10वां घर कार व्यवसाय, जिससे हम पैसा कमाते हैं और इनकम हमारी खाना नंबर 11, तो वो इस वजह से मांगलिक मानते हैं खाना नंबर 4 के मंगल को हमेशा। वहां पे शुक्र और चंद्र से भी उसका संबंध जोड़ते हैं, लेकिन लाल किताब में मंगल पद का मामूली सा सूत्र है कि मंगल जब खाना नंबर 4 में बैठा होगा, जो कि राशि फल का है, यानी उपाय हो सकता है, इस बात को समझिए, तो लाल किताब में क्या सिंपल वे में लिखा है, माँ दादी नानी सास जनानी पर भारी होगा मंगल जब बद होगा,
खाना नंबर चार में। लेकिन मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए तो मंगल बद नहीं होगा, मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए मंगल बद नहीं होगा, ऐसे भी बहुत सारे नियम कानून है, ये आप पढ़िए। मैं क्योंकि अब खाना नंबर चार पढ़ा रहा हूं तो मंगल को तो पूरा खोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको जितना दिमाग में आता जा रहा है आपको एक कौतूहल पैदा करने के लिए देने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़े बिना गुजारा नहीं होगा, जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे गुजारा नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो उनका अपना कॉन्सेप्ट है और लाल किताब का मामूली सा कॉन्सेप्ट है, माँ दादी नानी सास जनानी। अगर मंगल चार में खाना नंबर चार में पद होगा माँ दादी नानी सास जनानी, बल्कि यहां तक कहा गया है कि ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां सब कुछ होते हुए, और ऐसा व्यक्ति जन्म इसीलिए लेगा कि वो सब बर्बाद हो जाए उस घर का, लाल किताब में तो यहां तक कहा गया है। अब वो बर्बादी कब होगी, उसके कार व्यवसाय इनकम सब चौपट हो जाएंगी, जोड़ा वोड़ा खा जाएंगे और गर्म मिजाजी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े। मंगल पद का मतलब क्या है, झगड़े फसा। तो मंगल चौथे घर में राशि फल का है, यानी कि आप मंगल का भी सीधा उपाय कर सकते हैं क्योंकि वो राशि फल का है। और जब मैं राशि फल जहां बोलूंगा तो समझ लेना उस ग्रह का सीधा उपाय किया जा सकता है। यहाँ एक दो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे से बीच बीच में एक दो बार पूछा है कि मंगल चार हो तो चीनी बहाई जा सकती है, बिल्कुल बहाई जा सकती है, शहद बहाया जा सकता है, देसी खांड बहाई जा सकती है, और बहुत सारे लाल किताबी बहाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आठ में हो तो भी बहाई जा सकती है, रेवड़ी भी बहाई जा सकती है, इस बात को भी समझिए, क्योंकि राशि फल का है तो सीधा उपाय हो सकता है इसलिए। और मैंने बिल्कुल क्लियर बोला कि मांगलिक शब्द भी इस्तेमाल है लाल किताब में, और राशि फल का केतु भी राशि फल का होगा खाना नंबर चार में, तो केतु का उपाय भी डायरेक्ट किया जा सकता है सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब किताब कहती है खाना नंबर चार के लिए दोहे के रूप में, जो हमारी पोएट्री है लाल किताब की वो थोड़ी बता देता हूं। ग्रह चौथे के रात को जागें, सूत्र समझना बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिए, यहां जागे मुसीबत में, चौथे का ग्रह मुसीबत में मदद दे देता ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में, क्योंकि चंद्रमा का घर है, और ये कारण भी क्योंकि चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की तासीर चंद्रमा जैसी हो जाती है, और चंद्रमा हमारी माँ है, जब हम पैदा हुए हमारे लिए पूरी पूरी रात हमारी माई तो जागती थी, परेशान होती थी, और जब भी हम पे मुसीबत आती है तो माँ हमेशा आके अपनी गोद में सर रख लेती है, हमारी मुसीबत कम हो जाती है। और इसका कारण भी क्या है कि चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए उसकी तासीर चंद्रमा जैसी, यानी कि माता जैसी। अगर मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति का शुक्र चौथे घर का है उसके पत्नी के अंदर, वो एक अलग सूत्र है कि उसकी दो शादी होंगी या वो चरित्रहीन होगा शुक्र चार से, उस सबको भूल जाइए अभी, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि उस व्यक्ति की पत्नी में उसकी माँ के गुण हो जाएंगे, यह है चंद्रमा की तासीर अपने चौथे घर में। लेकिन मंगल नीच का है, मंगल में ये मत ढूंढिए, ये भी बता दूं। और शुक्र पे मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, मां भी स्त्री होती है, बात को समझो। अब आप कहेंगे बुध बुध चंद्रमा को खराब करता है, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं से फिर भी मत राजयोग है चौथे घर का बुध, अगर बुध अच्छे हालात का चौथे घर का बैठ जाए तो राजयोग है, लेकिन वो चंद्रमा का साथी ग्रह बनता है तो चंद्रमा किलस जाता है, जैसे कि और राहु केतु कसम खा के बैठे हुए हैं कि उनको छेड़ा ना जाए खाना नंबर चार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, धर्मी टेवा बन जाता है चौथे घर में, या चंद्रमा के साथ राहु केतु हो जाए, जबकि ग्रहण है राहु से चंद्रमा को अर्ध ग्रहण है, केतु से चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण है, और उसमें केतु और चंद्र दोनों का नुकसान होता है, राहु और चंद्र मिलते हैं तो बुध का नुकसान हो जाता है, बुध बंदा हो जाता है, सूत्रों को समझो। और यही सूत्र पूरी जिंदगी अगर आप लाल किताब सीखेंगे तो काम आए। लेकिन यह भी नियम है कि चौथे घर में किस ग्रह की तासीर होगी, चंद्रमा जैसी, और जो बड़े स्तर पे काम करेगी शुक्र की होगी, सूरज की होगी, सूरज चार वाला रेशम का कीड़ा बोला गया है कि वो व्यक्ति अपने घर परिवार पे खूब लुटाएगा लेकिन अपने ऊपर नहीं कर पाएगा ढंग से खर्चा, करोड़ों रुपया रखा है वो अपने घर परिवार बच्चा
माँ बाप भाई बहन पत्नी सब पे दिल खोल के खर्चा करेगा। सूरज चौथे घर वाला अपने यार दोस्तों के साथ भी अच्छा खासा खर्चा कर लेता है, मतलब फालतू नहीं करेगा लेकिन जब करेगा तो दिल खोल के कर देगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बृहस्पति चौथे वाला, आप एक बात को गौर करिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र चौथे घर का हो, मेरा ही नहीं है मेरे बेटे का भी है, मैं आपको बता दूं शुक्र चौथे घर का, वो व्यक्ति अपने घर में जब एंट्री करेगा, आपके लिए ये निशानी बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना, वो व्यक्ति जब अपने घर जाएगा तो अपने घर वालों से खाना खा लिया, कहाँ गए थे क्या किया, जानकारी पूरी रखता है अपने घर परिवार की, मतलब ध्यान देता है, क्योंकि उसमें एक ममत्व भाव, व्यक्ति शुक्र चौथे में बैठा है उसको भूल जाइए कि वो स्त्री ग्रह है, वो प्रेमिका या पत्नी से संबंधित है, लेकिन बैठा किसके टेबे में, उदाहरण मैं अपने ऊपर देता हूं, मेरे टेबे में, तो मेरे अंदर मेरे परिवार के प्रति, मेरे भाई बंधुओं के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति एक भाव होगा कि मैं उनका ज्यादा ध्यान रखता हूं, ममत्व भाव, माता का भाव, ऐसे समझिए ये फर्क आता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सूरज चौथे वाला, सूरज बेशक नर ग्रह है लेकिन उसमें भी ये मात्रा ज्यादा मिलेगी, बृहस्पति चौथे घर का उसमें भी ये मात्रा मिलेगी, लेकिन वो ग्रह साफ सुथरा होना चाहिए। अब मैं बोल दूं कि बृहस्पति चौथे घर में और दूसरे घर में राहु, पांचवें में या नौवें में बुध आ जाए तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, उस ग्रह की तासीर चंद्रमा जैसी। और फिर अगला इस सूत्र को थोड़ा सा और बता दूं, दोहे में तो अभी जोड़ दूंगा, असर वहां जाता जहां शनि बैठा हो। अब इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं, जो चौथे घर में ग्रह बैठा होगा उसकी तासीर चंद्रमा जैसी, यानी कि उसका स्वभाव, आदत, आचार विचार चंद्रमा जैसे, और असर वो कहां देगा, जहां शनि बैठा होगा, जिस घर में शनि बैठा होगा उस ग्रह का। तो मैं उदाहरण, शुक्र मेरा बैठा हुआ है खाना नंबर 4 में, उसकी तासीर चंद्रमा जैसी, और असर कहां जाएगा, जहां शनि बैठा है, तो और मेरा शनिचर खाना नंबर 12 में बैठा है, तो मेरे शुक्र का जो असर है वो खाना नंबर 12 में जा रहा है। अब कुछ क्लियर हुआ या कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? अब शुक्र 12वें घर का असर देगा तो आप में से ज्यादातर को शुक्र 12 का खेल तमाशा पता होगा, कोई डाउट है तो दोहरा दीजिए फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जी एक डाउट है कि इसमें चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा, जैसा चंद्रमा स्थिति में होगा वही तासीर मिलेगी। हाँ, फिर 12वें घर में वो बुरा भी हो सकता है चंद्रमा हाँ अगर बुरा, ठीक है। चंद्रमा बुरा नहीं होगा, उस चौथे घर में बैठे हुए ग्रह पे असर पड़ेगा क्योंकि उसकी तासीर हाँ उस घर में बोलेगी। मान लीजिए शनि 8वें में हो, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण देता हूं, शुक्र चौथे में, तो वो शुक्र 8 का बोलेगा एक, और चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो क्या होगा, तो मंदी तासीर 8वें में चली गई, ऐसे समझिए, ये हमेशा अच्छी नहीं होगी ना हमेशा बुरी होगी, कंडीशन पे डिपेंड करेगी, जैसे कंडीशन पे डिपेंड करेगी। कि शनि मान लो 11th में हो और चंद्रमा 12वें में हो और शुक्र चौथे में ही हो, तो शुक्र 11वें घर का असर देगा लेकिन बैठ देगा ना, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है। ठीक है, बिल्कुल, और कोई और सर डाउट? अगर शनि शनि चौथे में ही हो सर, फिर तो चौथे का ही देगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं साहब, फिर ये तो उसमें क्या तो क्या शनि किया। शनि के छेड़ा ना जाए, शनि की तासीर चंद्रमा जैसी हो गई है और वो चौथे में ही बैठा है तो चौथे का ही देगा, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। शनि को छेड़ने से मतलब सर, शनि की बस दो तीन हिदायतें हैं 4 में, 48 से पहले मकान ना बनाओ, शराब मांस अंडे से बचे रहो, बस और क्या करना है। राहु 4 की भी हिदायत ऐसी ही है, टॉयलेट छत के ऊपर निर्माण, वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी तो बोला है ना कि राहु केतु को छेड़ा ना जाए, ऐसे बस इतना सा सूत्र है, और कोई डाउट? हाँ।
म्यूट हो जाइए भैया, बीच बीच में एक दो लोगों की आवाज आ रही है। सुपर शिव शर्मा, सुपर शिव शर्मा भैया म्यूट रहिए। और कोई जरूरी काम है तो छोड़ दीजिए, कल रिकॉर्डिंग सुन लेना। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में। अब ग्रह चौथे के रात को जागे मतलब क्या है? अरे भाई, चौथे घर का ग्रह जो है वो व्यक्ति अगर चौथे घर के बैठे हुए ग्रह से संबंधित कोई काम काज व्यवसाय करता है, रात को उसके काम से संबंधित डिसीजन ले ले, उस कार्य से संबंधित रात को काम करे। किसी का लोहे का व्यापार है, मान लो शनि बैठा है चौथे घर में, रात को कर लो। शुक्र चौथे वाला, अब यहां पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसी सूत्र को। शुक्र चौथे घर का है। अब किताब में लिखा ग्रह चौथे के रात को जागे, वो अपनी पत्नी प्रसंग, पति पत्नी के जो आपसी रिश्ते हैं बेडरूम के, वो दिन में करे तो हो गया घोटाला, रात को जागे तो उनमें प्रेम भाव अच्छा बना रहेगा। ये सिर्फ सूरज सातवें में आ गया या सूरज शुक्र मुश्तरका हो गया, वहां तक क्यों देखते हो? शुक्र चौथे वाला, शुक्र रात को ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा फल दे देगा, बात खत्म। अगर कॉस्मेटिक का काम है, अपना हिसाब किताब रात को कर ले, बात को समझने की कोशिश करो। कोई डिसीजन लेना है, रेडीमेड गारमेंट का काम है, रात को डिसीजन ले ले, रात को सोच विचार करे। इस तरीके से ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में, मदद कोई ना हो जब करता आता रहे वे बुढ़ापे में। अब पहले जब खाना नंबर दो बताया तब भी मैंने कहा कि बुढ़ापे में नेक असर देंगे, और लेकिन खाना नंबर चार पे कंडीशन है। दो पे तो सिर्फ इतनी कंडीशन है कि खाना नंबर दो का ग्रह बुढ़ापे में नेक फल देगा ही देगा। बुढ़ापे में उस बेचारे को तो एक तरीके से मजबूर कर दिया है कि तुझे नेक फल देना ही होगा, खाना नंबर दो वाले को। लेकिन खाना नंबर चार वाले पे एक कंडीशन है कि बुढ़ापे में ये भी देगा ही देगा, तारेगा ही तारेगा, लेकिन जब कोई मदद ना कर रहा हो, यानी कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी विपदा विपत्ति परेशानी आ जाए तब। लेकिन कब? बुढ़ापे में, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में, ऐसे समझो। ये है पूरा सूत्र। बुढ़ापे का मतलब कितनी एज से लेना चाहिए? 75+ ले लो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी 50+ भी लिया जा सकता है, लेकिन 75+ ज्यादा अच्छा है। लेकिन आजकल तो उम्र कम होती जा रही है हाँ, लोगों इसलिए पूछ रही हूँ। की लेकिन 50 तक तो हमारी लाल किताब ज्योतिष में भरपूर जवानी मानी गई है। अब मैं 51 में आ गया हूं तो मुझे बुढ़ापा कह सकते हो थोड़ा बहुत। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र में होता है असर, मगर उस घर जाता शनि जहां टेबे बैठा हुआ। खाली होते घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो। अब देखो क्या बात कह दी, जब चौथा घर खाली हो तो वो भी बढ़िया है। मैं पहले बोलता था कि 6 8 12 खाली हो तो बढ़िया है, फिर मैंने बोला धीरे धीरे मैं स्टेप टू स्टेप, मतलब बैच के हिसाब से, लोग जितने सीनियर होते जाते हैं उस हिसाब से मैं मात्रा बढ़ा देता हूं, कि 2 6 8 12 खाली हो तो बढ़िया है बोला। अब लाल किताब चौथे घर के बारे में स्पेशली बोल रही है कि चौथा खाली हो, लेकिन यहां कंडीशन है चौथा खाली में चंद्रमा केंद्र स्थान के बाहर हो तो आनंद है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब चौथे घर के ग्रह हैं ये रात्रि बलि होते हैं, इन चौथे घर से जो ग्रह बैठे हों उनका कारोबार रात्र के समय, रात के समय में फैसला डिसीजन करें तो ज्यादा फायदा होगा, लाभ होगा। और मुसीबत में जब कोई सहायता ना कर रहा हो तो चंद्रमा सहायता दे देगा। और सबसे बड़ी बात है पैसे की आई चलाई चंद्रमा से ही है, सबसे बड़ी मुसीबत आज के समय में तो क्या हमेशा ही पैसे की ही रही है। जिस बूढ़ा बूढ़ी के पास पैसा हो तो उसके बालक बुढ़ापे में भी पूछते हैं, और जिस बूढ़ा बूढ़ी के पास पैसा ना हो बुढ़ापे में, बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, वृद्धाश्रम में असाइलम में चले जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं,
मैंने अपनी आंखों से देखा था 15-20 साल पहले कि अपने बुजुर्ग बाप को रोड पे छोड़ के बेटा भाग गया था। मेरी उम्र रही होगी कोई 30 साल की, तब की बता रहा हूं। और मैंने जबरदस्ती उस छोरे की गाड़ी रोक के और पुलिस बुला के उसके 2-3 जूते और मारे पकड़ के। मेरे घर के नजदीक ये घटना घटी थी, अपने बाप को छोड़ के भाग गया था, भाग रहा था, उसका बाप रोने लग रहा था, हमने फटाफट रोका। मैंने सोचा शायद ये कोई घटना किडनैपिंग वगैरह की है या कोई कोई मतलब ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो उसका बाप बोला कि भैया ये मेरे को यहाँ फेंक के जा रहे हैं, ये अपनी आंखों से देख चुका हूं। और कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, कम से कम मेरी उस समय 30 साल की उम्र थी, आज से 20 साल पहले भी वो लड़का कम से कम 20 लाख की गाड़ी में अपने बाप को, बेटा और बहू दोनों आए थे, अपने बाप को हमारे हमारा जो रोड है गुड़गांव में, जो घर है गुरुद्वारा रोड पे है, वहां उतार के और गाड़ी स्टार्ट करके चल रहे थे। तो कुछ लोगों के मतलब उतार के, और बुड्ढा रो रहा था, तो लोग है ना एकदम उसे रोका, और मैं वहीं नजदीक था तो मैंने जाके पकड़ा उसको। रुक जा भाई, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, बुड्ढे से पूछा उससे, बुड्ढा बोला जी मेरे को घर में मारते पीटते हैं, अब ये मुझे यहाँ फेंक के जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखा है। क्या कहें, अब उस बेटे का कसूर कहें, बाप का कसूर कहें, या उनके गृह दोष कहें, ये आप सोचिए। होता जो भी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण गृह दोष के होते ही होते हैं, नहीं तो फिर सारे बच्चे ऐसे हो सकते थे। बात को समझिए। चौथे घर के गृह से संबंधित कामकाज रात को करिए, फायदा मिलेगा। और जब मुसीबत के समय जब कोई काम आए या ना आए, चंद्रमा काम आएगा आपके। और लाल किताब में तो खाना नंबर 4 में फिक्स है कि कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि के विषय में बोला गया है, इसलिए चंद्रमा का पक्का घर है, कंफर्म। और चौथे घर का काम भी बुढ़ापे में सहायता देना है। और दूसरी बात, अब ये फायदा होता कैसे है, ये सूत्र आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब बता देते हैं आ रहे हैं बुढ़ापे में। ये सूत्र और भी बड़ा हो जाता है, अब इसको गौर से सुन लेना कि चौथा घर जब खाली हो, आखिर उम्र तक उन्नति हो, लेकिन चंद्रमा की कंडीशन है केंद्र स्थान यानी बदमुट्ठी के घानों से बाहर। अब होता क्या है कि चौथा घर खाली हो, यहां पे और बड़े फायदे लोगों को मिल जाते हैं बुढ़ापे में। और जब चौथे घर में कोई गृह ना हो तो दूसरा घर ज्यादा मजबूत हो जाता है। और दूसरा घर आपको पता है किस चीज का है, चंद्रमा ऊंच का। दूसरे घर का संबंध भी पैसे से है, ससुराल से भी है। चौथा घर खाली हो तो दूसरा घर और ज्यादा मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है। इसका मतलब को समझाइए मुझे, क्योंकि इस विषय से संबंधित मैं चित्र आपके सामने शेयर करूंगा स्क्रीन पे, और अब आपको समझ में आएगा कुछ शायद। ये संबंध क्या है बोलिए, ये संबंध क्या है, टक्कर का है और जड़ का जो भी। कि जड़ 4 टक्कर का नहीं है, ये दोबारा सोच अचानक के चोट, बोलिए। अचानक चोट, अचानक चोट। हाँ, शब्द सही चयन करिए, जड़ भी है नो डाउट, और ये अचानक चोट भी है। मैंने आप लोगों में से कुछ लोग वहां भी हैं, मान लीजिए 2 में गुरु है और 4 में चंद्रमा है, ये तो बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति के गर्भ में आते ही, गर्भ में बीज पड़ते ही, पैदा की नहीं कर रहा हूं, 9 महीने पहले की बात कर रहा हूं, जमीन पे आने से पहले, माँ बाप कुनबा खानदान को तरक्की दे देगा,
मैं भी बोलता हूँ, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, लेकिन क्या ये अचानक चोट नहीं है? और अचानक चोट है तो किस समय पे नुकसान देगी बताइए, बताओ। जैसे 16 की उम्र में चंद्रमा को चोट लगाएगा तो पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, माँ को दिक्कत आ सकती है, और 24 की एज में पिता को ये दिक्कत आ टक्कर सकती वाला बोल दिया यहाँ, बृहस्पति अपनी एज में चंद्रमा को पीटेगा, बस है। हाँ जी बृहस्पति को कोई हाँ चोट नहीं है और चंद्रमा अपनी उम्र में बृहस्पति को पीटेगा, संभावना बन गई। अब दूसरी बात, ये योग वर्ष फल के अनुसार, क्योंकि अब ये टक्कर का बन गया, अगर ये किसी वर्ष फल अनुसार, अब सूत्र समझ लेना, एक यहां हो एक यहां हो या दोबारा फिर ये ऐसे आ जाएं, या फिर दोबारा ये ऐसे आ जाएं, या ये दोबारा ऐसे किसी भी वर्ष में ऐसे ऐसे आते रहें, या फिर ये ऐसे ऐसे आते रहें, तो उन उन साल में क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक यहां आ जाए और एक यहां आ जाए तो बड़ी, ये एक तो टक्कर है, ये बड़ी टक्कर हो जाएगी बुराई और बड़े मात्रा में, यहां बुराई की मिकदार बढ़ जाएगी, एवरेज बढ़ जाएगी। या फिर ये 8 से 8 तीसरे में आ जाएं, या फिर ये 10 और 5 में आ जाएं, तो 10 5 की, 1 8 की और 8 से 3 की जो टक्कर है, जो खतरनाक कही गई है लाल किताब सूत्रों में, उस खतरनाक कंडीशन से बड़ी खतरनाक कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि जन्म समय पे इनका ये संबंध होने के कारण। तो जब खाना नंबर 4 खाली हो तो खाना नंबर 2 और ज्यादा प्रबल हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सूत्र को समझो, किताब सब पढ़ते हैं लेकिन किताब पढ़ने का नजरिया चेंज करो आप, मैं ये कहना चाहता हूं। हुआ कुछ क्लियर अब इस कारण से? ये निकल के आते हैं कारण को समझने की, क्योंकि कारण बिना तो आप सिर्फ लकीर पीटते चले जाएंगे, रट्टा थोड़ी ना मारना है, अरे कोई कथा थोड़ी ना हमने करनी है, जबकि कथा भी रट्टावार होनी नहीं चाहिए, उसमें तो और ज्यादा दिमाग होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग कंडीशन याद, अरे कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ जाओ, ये कारण है। ऐसे ही 4 6 का संबंध बनता है, ऐसा ही 10 12 का संबंध बनता है, ऐसा ही 10 8 का संबंध बनता है, ऐसा ही 7 9 का संबंध बनता है, ऐसा ही 1 11 का बनता है, ऐसा ही 1 3 का बनता है, और ऐसा ही संबंध 5 और 7 का भी बनता है। अचानक चोट, लाल किताब की दुनिया में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको बता दूं, नहीं पता होगा ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी ने खोल के दिया नहीं है लाल किताब में। इतने बड़े बड़े धुरंधर, हमारी विरासत, हमारी किताब, पंजाब का पानी, जलंधर का पानी नहीं पिया तो आपको आ नहीं सकती, उनको आज तक ये पता नहीं है, सिर्फ ये चीजें आप लोगों को ही पता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज कोई नहीं बता रहा। बताएगा कहां से? पता होगा जब बताएगा, है क्या उनको बताने के लिए? 100 200 भी बात है, पता सूत्र ही नहीं रट्टे मार होंगे। रखे हैं और कुछ है ही नहीं, पंडित जी ने सब कुछ लिखा हुआ है, उनको लिखे हुए को नहीं वो खोल पा रहे हैं, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्र का फल घर दे चंदर, कब? जब चौथा घर खाली हो। चंद्र का फल घर दे चंदर, चंद्रमा चाहे नष्ट हो जाए, मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, चौथा घर हमेशा उम्दा होगा, चौथा घर खाली हो तो। अब बात आ गई, 2 6 8 12 खाली हो तो भले, अब बोलो चौथा खाली हो तो भला या नहीं भला, बोलो। चंद्र का फल दे चंदर, चंद्र बैठा ख्वा नष्टी हो, पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो, 8 3 6 टेवे मंदा, मौत बहाना चौथा हो। ये चौथे के साथ ये भी बड़ी विडंबना है, 8 3 6 टेवे मंदा, चौथे घर के लिए कंडीशन है। चलो आगे करते हैं। खाना नंबर 4 में शनिचर जहरीला सांप होगा, लेकिन फिर भी शनिचर चौथे घर में अमूमन शनि की हिदायतें जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताई हैं, कुछ मिनट ही हुए हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल चौथे घर में मांगलिक भी बनाता है और अमूमन कंडीशन देखे गए तो मंगलवद भी होता है,
राहु केतु चौथे घर में एक प्रकार से धर्मात्मा बाबू बन के बैठ जाते हैं साधु की तरह, ना अपना अच्छा असर देंगे ना अपना बुरा असर देंगे, बस इनको छेड़ा ना जाए। छेड़ दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ बुराई देंगे, क्योंकि खाना नंबर चार है जो वो जो राहु केतु, मतलब शब्द को समझना, खून की बुनियाद है। खाना नंबर चार खून की बुनियाद है, इसका मतलब राहु केतु खाना नंबर चार में चुप रहेंगे, माता के घर में चुप रहेंगे। लेकिन लाल किताब ये भी कहती है कि शायद ये कोई अच्छा फल दे दे तो वो भी ना मिलेगा राहु केतु चौथे का, अगर कंडीशन लगा के। ये भी ध्यान करिए, कोई अच्छा फल भी है तो वो भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई लाभ ना देंगे कोई हानि ना देंगे। तख्त पावे जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो। अब देखो दूसरा सूत्र, चौथा खाली ही अच्छा। चौथे में बैठा गिरे जिस साल लगन में आएगा, उस साल टेवे में राहु मंदा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, मेरा शुक्र चौथे घर का है, अगले साल जो मेरा 52वां सितंबर 27 से शुरू होगा, शुक्र लगन में आ रहा है। अब मुझे ये टेंशन है, मैं तो जानता हूं तो मुझे टेंशन है, जो नहीं जानता वो टेंशन भी, लेकिन राहु मंदा होगा उस समय। अगर अब सूत्र समझना, राहु 8 में आ जाए 11 में आ जाए, अब क्या करोगे साहब? राहु अब 8 या 11 जैसे घर में आ जाए, 7 में आ जाए, क्या करोगे? जो बताना चाह रहा हूं उसको समझना, अब वो एवरेज जो बुराई की है और बढ़ गई। अब यहां पे तीन चीजें बढ़ती हैं, मैं तो अपने शुक्र की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल दूं शुक्र जब भी किसी भी घर से 1 में आएगा तो राहु मंदा होगा। शुक्र की ये खास कंडीशन है, 1 में आते समय, जब शुक्र 1 में आएगा खाना नंबर 1 में तो राहु मंदा होगा, और चौथे घर का कोई भी ग्रह जब 1 में आएगा, राहु चौथे घर में बैठा हो और वही जब चौथे घर में आ जाए तो भी मंदा होगा। अब सोचो चंद्रमा चौथे घर का खुद का बैठा हुआ जब खाना नंबर 1 में आ जाए तब भी राहु मंदा होगा, और बोलो सूत्र को समझो। और सब शुक्र चौथे का 1 में आ जाए तो शुक्र कैसा भी कहीं का भी 1 में आ जाए तो राहु मंदा, चौथे का आ जाए तो डबल मंदा। और अब अगर राहु 12 में मंदा, 8 में मंदा, 9 11 में मंदा इस तरीके से आ जाए तो और मंदा, अब राहु की मकदार बढ़ जाएगी मंदे। क्यों अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरा अगले साल शुक्र लगन में आ रहा है और राहु खाना नंबर 7 में आ रहा जो कि शुक्र का साथी ग्रह भी बनेगा। सूत्र समझो कितनी बड़ी बुराई जा रही है। लेकिन अब ये चीजें आपको और हमें, लेकिन आम आदमी को नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो सूत्र मैं दे रहा हूं ये कॉमन नहीं है, इन पे बहुत ध्यान करनी पड़ेगी। किताब में लिखे हुए ऐसे के ऐसे बहुत सरलता से लिखे हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आती है। कोई भी ग्रह जब चौथे घर का 1 में आएगा राहु मंदा, कहीं का भी शुक्र जब 1 में आएगा, वो चाहे महीने में आए चाहे 1 दिन के टेबे में आए, तब भी राहु मंदा। और ये देखो फिर राहु कहाँ है, इस तरीके से पकड़ने की। तख्त पावे जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो, मुट्ठी चंद्र 8 11 बैठे अकेला, चौथे में मंदा। चार समंदर ग्रह नौ नाभि, चार को समंदर भी माना है, नौवे को भी समंदर माना है और नौवे को नाभि भी माना है, व्यक्ति की नाभि केंद्र स्थान, नाभि व्यक्ति की सुंडी, मुर्दा कोई ना रखता हो, तीनों मित्र नर ग्रह शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। तीनों नर ग्रह, तीनों मित्र नर ग्रह शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। तीनों नर ग्रह सूरज मंगल बृहस्पति चंद्रमा के भी मित्र हैं, तो माता की शरण होके पेट में पालना करते हैं गर्भ के लिए। लेकिन चंद्रमा के जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, राहु केतु चौथे घर में, तब चौथा घर समंदर समान होगा, तब नहीं तो नौमा घर को ही समंदर बोला है। चौथा घर समंदर कब है? जब राहु केतु चौथे घर, तब चौथा घर समंदर जैसा होगा।
चौथा घर चंद्रमा का है, चौथे घर का कारक भी चंद्रमा है। राहु केतु चौथे घर में अपना पाप छोड़ देते हैं, मतलब इसका पाप छोड़ देने का यहाँ खाना नंबर चार में बैठ के वो अपना कोई बुरा फल नहीं देते। खाना नंबर चार आंगन है, खाना नंबर 10 का, यानी कि खाना नंबर चार का निर्णय, खाना नंबर चार के लिए आंगन है, खाना नंबर 10 का, खाना नंबर 10 के ग्रह यानी कि शनि न्यायाधीश है, जज है खाना नंबर चार का, कौन? शनि। ये सूत्र अभी आगे खोलूंगा और बहुत खास सूत्र है, अगर ध्यान लगा के सुनोगे, क्योंकि वहां मुझे लाल किताब से बाहर जाना पड़ेगा समझाने के लिए। इस खाना नंबर चार में माता के साथ साथ पिता के हालात का संबंध भी पता चलता है, दिल की भावनाएं, हमारा धन दौलत, हमारा स्वभाव, जो हमें विरासत में मिला है पूर्व जन्मों से मिला हुआ, क्योंकि खाना नंबर 1, 4, 7, 10 ये पूर्व जन्मों से, बंद मुट्ठी के खाने पूर्व जन्मों से ताल्लुक रखते हैं, इस बात को ध्यान करिएगा। हमारी उंगलियों पर शंख सदब जौ के निशान, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की लिखाई, क्योंकि जब भी कहीं किसी ग्रुप में चर्चा होती है बुध से लिखाई हमेशा आदमी जोड़ता है, खाना नंबर चार से संबंधित है, लिखाई अच्छी या बुरी खाना नंबर चार पे डिपेंड करेगी। माता का पेट, घोड़ा, दूध, दूध वाले जानवर चाहे कोई भी हो जो दूध देते हैं वो खाना नंबर चार से संबंधित, पानी के जानवर, हमारी माता का वंश पीछे, माता का मायका, हमारा ननिहाल, खाली तय जमीन यानी कि प्लॉट, मौसी बुआ का मकान, खेती की धरती, समंदर के सफर, फलों और सब्जियों के रस, कपड़े का काम, व्यक्ति में आध्यात्मिक विचार, पूर्व जन्म में जो पिछला जन्म चला गया उसकी प्रवृत्ति जो हम लेके आए हैं, और खाना नंबर चार भी व्यक्ति में ज्योतिष से संबंधित शौक होगा या ना होगा इसका भी विचार कर सकते हैं। खाना नंबर चार से अध्यात्म का भी विचार, इस खाना नंबर चार में चंद्रमा और बृहस्पति में से कोई भी हो अमूमन अच्छे होंगे, नेक होंगे। ये पानी का घर है खाना नंबर चार, ये पानी रखने का स्थान भी है खाना नंबर चार, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, पानी का स्रोत भी अगर यही हो उसका भी विचार किया जा सकता है, वास्तु के अनुसार अच्छा फल देगा। ये खाना नंबर चार हमारे शरीर में सर्द गर्म जैसे जो हालात बनते हैं, सर्द गर्म जैसे जो हालात बनते हैं उसकी तासीर भी खाना नंबर चार से पता चलेगी। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो आपको सर्दी जुकाम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप सो के देखिए नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे, और मैं इतना सनकी हूं इस विषय पे, मैंने 15 दिन सो के देखा है अभी 1.5-2 महीने पहले, और 1.5-2 महीने पहले खूब गर्मी थी, लेकिन वहां हफ्ते भर लेटने के बाद मुझे शिकायत महसूस हुई कि सर्दी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा है, जो मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया है, उसको मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं मानता, मैं अनुभव में जितना ले सकता हूं उससे ज्यादा लेने की कोशिश करता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट की 45 डिग्री पे जाके लेट के देखिए, 4-6 दिन बाद ही फर्क आ जाएगा, और ना महसूस हो तो बोलना, और महसूस हो तो बेशक मत बोलना, ना हो तो जरूर मेरे को आके कंप्लेंट कर लेना कि ये गलत था। सर्द गर्म की तासीर खाना नंबर चार से संबंधित, चंद्रमा हमारे विचारों से संबंधित भी है, हमारी विचारों की शक्ति, और वो विचारों की शक्ति जिससे हमारा दिमाग यानी कि मस्तिष्क भी लपेटे में आता है, प्रभावित होता है। इसलिए खाना नंबर चार किसी भी जातक के लिए विचार शक्ति, विचारों की प्रवृत्ति, विचारों की प्रकृति की जानकारी भी यहां से मिलेगी।
मन की शांति या अशांति के हालात, मानसिक संतुलन, ये भी खाना नंबर 4 से संबंधित। जवानी का समय 25 से 50 साल उम्र तक, और खाना नंबर 4 से हमारे मानसिक विचारों की मजबूती, दृढ़ता, और वो मानसिक विचारों की मजबूती जिससे हम तरक्की करें, जीवन में उठें, ऊपर उठें, हमारी उन्नति हो, ऐसे समझ लीजिए। इसका भी ज्ञान यहां से किया जा सकता है। लाल किताब सूत्रों में 35 साला चक्र के अनुसार चंद्रमा को 24वां साल दिया गया है, और चौथे घर का जो संबंध है वो भी 25 से लेके 50 तक जवानी की उम्र, यानी कि 24वें साल से उसमें वो विचार उठते हैं, जैसे घर 4 के हालात होंगे, नेक या मंदे, उसी अनुसार से उसकी तरक्की की राह उसी माहौल में खुलेगी। बहुत से लोग, मान लीजिए कि शुक्र चौथे घर में बैठा है, तो वो काम वासना से भी विकारग्रस्त हो सकते हैं, इस बात को भी समझिए, क्योंकि शुक्र काम वासना भी है, और वो उस तरफ चले गए तो बर्बादी हो जाएगी। शुक्र 4 का ये भी कहता है, ये भी ध्यान करिए, चौथे घर में बहुत सारी कंडीशन है। अब जो बात मैं कह रहा था उसको थोड़ी सी समझने की बीच बीच में कोशिश करते रहिएगा, कि खाना नंबर 4 है जो, वो खाना नंबर 10 का आंगन है। तो खाना नंबर 4 के लिए शनि का क्या महत्व है, क्योंकि खाना नंबर 10 का मालिक है वो शनि है। वो बात बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ध्यान आती जाएगी, बोलता जाऊंगा। ये खाना नंबर 4 हमारे मस्तिष्क का मूल बीज है, और ऐसा मूल बीज है जो कि हमारे पूर्व जन्मों के इफेक्ट के कारण हमें मिला है। मानसिक भाव, उस मानसिक भाव की रफ्तार, उस मानसिक भाव की दिशा, उस मानसिक भाव का बीज रूप, जो कि हमारी तकदीर, हमारे अभाग्य, हमारी किस्मत को कंट्रोल करता है। यानी कि खाना नंबर 4 को देखो, भाग्यस्थान तो खाना नंबर 9 ही है, इस बात को भी समझ लेना, वो तो 9 है तो 9 ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, हमारी किस्मत को कंट्रोल करता है, हमारे भाग्य को। अब सोचो रूपचंद जोशी जी की दिमाग की खिड़की में झांक के, कि खाना नंबर 9 से बादल उठेंगे, 2 से टकराएंगे, 4 पे बारिश हो जाएगी। मतलब 9 को 4 की सहायता चाहिए, भाग्य को, इसलिए ये शब्द बोल रहा हूं, भाग्य को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। चौथे घर का चंद्रमा अक्सर खर्च भी बढ़ाता है, लेकिन खर्च बढ़ाता है तो उस अनुपात में आमदनी भी अपने आप ही बढ़ा देता है। ये खाना नंबर 4 एक प्रकार से आमदनी का दरिया भी है, जितना खर्च करो उतना ज्यादा पैसा आएगा, कंजूसी करोगे कम पैसा आएगा। खाना नंबर 4 की ये भी खासियत है। लेकिन जब चंद्रमा हो, ये ध्यान कर लेना, अधूरा मत सुनिएगा, चौथे घर में अच्छे नेक ग्रह, ऊंच के ग्रह, शुभ ग्रह हो, या चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो, तो ऐसा व्यक्ति कपड़े से संबंधित कारोबार व्यापार कर ले तो खूब तरक्की करेगा। लेकिन कौन सा कपड़ा, थान, थान रेडीमेड नहीं, वहां शुक्र इन्वॉल्व। और कुछ विद्वान लोग तो इसमें शनि को मानते हैं, रेडीमेड कपड़े को, मैं आपको ये भी बता दूं, और कुछ लाल किताबी भी शनि मानते हैं, मेरी जानकारी है, रेडीमेड कपड़े को मैं शुक्र बोलता हूं। अब ये आप अपने अनुभव में लीजिए कि मेरा सही है शुक्र या उनका शनि सही है, वो आपने सोचना है। मैं शुक्र मानता हूं, लेकिन चंद्रमा के साथ बृहस्पति, या बृहस्पति 4 में हो और चंद्रमा के अच्छे हालात हो, ऐसा जातक कपड़े का कारोबार कर ले, उसे तरक्की देंगे। लेकिन ये चंद्रमा के कलर का कपड़ा हो,
अगर काला कपड़ा है तो उसमें शनि इन्वॉल्व है, सिला कपड़ा है तो उसमें सूरज सिला कपड़ा है तो उसमें शुक्र इन्वॉल्व है, नीला कपड़ा है तो राहु इन्वॉल्व है, हरा कपड़ा है तो बुध इन्वॉल्व है, ये भी ध्यान करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ कपड़े के थान का व्यवसाय कर ले, इससे गुजारा नहीं चलेगा, ये भी ध्यान करिएगा, सफेद कपड़े का व्यापार कर ले, तो ऐसे समझिए, क्योंकि लाल किताब में अलग अलग कलर का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस बात को ध्यान करिएगा, इसलिए ये बात कह रहा हूं। अगर कपड़े पे कढ़ाई हो तो बुध इन्वॉल्व हो जाएगा, समझो। थोड़ा और बोलता हूं, कुछ कठिन शब्द मिलेंगे, सरल करने की कोशिश करूंगा, फिर भी समझिएगा। चंद्रमा से हमारे मस्तिष्क, या समझ लो कि हमारे मस्तिष्क के विचारों के फव्वारे चलते हैं, विचारों के फव्वारे, इसलिए इस खाना नंबर चार को इस खाना नंबर चार से मस्तिष्क के विचार को संबंध दिया गया या यूं समझ लो जिन विचारों की उत्पत्ति, मैं दोबारा बोलता हूं कि मैं शब्द सरल करने के चक्कर में आप लोगों के आगे थोड़ा अटक रहा हूं, विचार ही हमारे सभी विषयों को, सभी कार्यकलापों को कंट्रोल करते हैं। जैसे विचार होंगे व्यक्ति के, जैसे व्यक्ति के विचार होंगे, जैसे कि मैं एक उदाहरण, आने वाले कल में अगर मैं कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने की भी सोच रहा हूं या कोई जायदाद लेने की भी सोच रहा हूं, तो वो पहले सोच होती है। वो सोच कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में, जिसे हम कह देते हैं मन। मेरे मन में आया, मैंने ये सोचा, लेकिन वो अभी किया नहीं गया, वो मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ हो रही है। पहले विचार, उसके बाद कागज पे आता है वो, उसके बाद आगे कार्रवाई चलती है। वो विचार हमारे मस्तिष्क से उठते हैं और वो कार्यान्वयन तक का पहुंचते हैं, समझने की कोशिश करिए। हमारे मस्तिष्क में विचारों के फव्वारे चलते हैं, इसलिए इस खाना नंबर चार मस्तिष्क मस्तिष्क से विचारने लायक जो भी विषय हैं उनका संबंध होता है, और हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सबसे पहले उनका जन्म हमारे विचारों में होता है और वो विचार हमारे मस्तिष्क में होते हैं। यानी कि हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं उससे चंद्रमा या फिर खाना नंबर चार, या यूं कह लें कि चंद्र और खाना नंबर चार दोनों का संबंध है, क्योंकि होगा बाद में, पहले विचार होगा, विचार होगा तो फिर वो कागज पे आएगा, कागज पे आएगा तो उसके बाद क्रियान्वयन होगा, यानी मूर्त रूप आएगा। मान लीजिए कि कल कोई मकान बनाना चाहता हूं, तो पहले सोचूंगा, सोचूंगा कि कैसा हो, तो फिर कागज पे नक्शा बनवाऊंगा और उसके बाद फिर वो तैयार होगा, इस बात को समझिए। या कोई कारोबार करूंगा तब भी सोचूंगा। तो हमारे जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटना जो कि हमारी वैचारिक शक्ति के कारण ही होती है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई निर्माण हो, चाहे कोई व्यापार हो, खाना नंबर चार की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े स्तर पे जाती है, ऐसे समझ लो। खाना नंबर चार की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी कृत्य हो ही नहीं सकता, किसी की शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि विचार पहले आएगा कि मैं ब्याह करूं, उसके बाद ही तो लड़का लड़की देखे जाएंगे। मकान बनाना है तो भी पहले विचार आएगा। तो खाना नंबर, कोई व्यापार करना चाहता है तब भी विचार पहले आएगा। और आजकल तो संतान पैदा करनी है, कब करनी है, इसकी भी प्लानिंग होती है, समझ जाओ आप। वो जमाने गए कि बच्चे हो गए, पैदा हो गए, पता भी नहीं चलता था। आज के समय में तो बच्चे तक की प्लानिंग होती है, यानी कि मस्तिष्क में विचार लाए जाते हैं पहले, कि अभी नहीं, जब चार पैसे होंगे, अच्छा होगा, ये होगा तब करेंगे, रिलैक्स होंगे तब करेंगे।
या पैसे जोड़ लें तब करेंगे। तो हर चीज विचारों से संबंधित है, और वो खाना नंबर चार से संबंधित है। सोचिए हमारे जीवन में खाना नंबर चार की कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको पता है कि मैं हल्की सी भी दिक्कत देखते ही खाना नंबर चार और खाना नंबर चार के मालिक चंद्र और उसके सबसे बड़े मित्र बृहस्पति की हल्की सी भी कंडीशन डाउन देखता हूं, तो मैं सबसे पहले एक उपाय जरूर लिखता हूं। आप भी लिखना शुरू करिए, दूध हल्दी चावल जलप्रपात करके आओ। क्यों करता हूं सोचो, दूध हल्दी चावल जल प्रवाह करके आओ। और आज से नहीं करवा रहा हूं, कम से कम 18-20 साल से करवा रहा हूं कंटिन्यू। क्यों करवाता हूं? चौथे घर पे हल्का सा भी बुरा असर, चौथे घर के मालिक चंद्रमा पे बुरा असर, चंद्रमा के परम मित्र बृहस्पति पे हल्का सा भी बुरा असर। और मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूं। क्यों? कि इन दोनों के मिलने से और वो जल प्रवाह होने से खाना नंबर चार की तासीर बदल जाती है, चार की नेक नियति सामने आ जाती है इसलिए। और ये सूत्र मैं पहले भी बता चुका हूं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फोन ऑन पे बात होती है आए गए हैं उनको भी कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कह रहा हूं। और जब शुक्र चौथे में हो और पैसे की दिक्कत हो तो ये काम करके देख लेना, 4 दिन के अंदर अच्छी खासी रकम आ जाएगी। और बोलो करूँगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा एक एक सूत्र को, एक एक बात को। ये करके देखो, आनंद ना आए तो कहना। यानी कि चंद्रमा के हालात, चंद्रमा के घर खाना नंबर चार के हालात हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का केंद्र बिंदु है। सोचिए, क्योंकि पहले तो हमारे विचार ही आएंगे ना, इसलिए चंद्रमा का स्थान उत्तर पूरब, चंद्रमा कारक भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, वास्तु में भी ये जल स्थान है यानी कि चंद्रमा का ही स्थान है। इसी तरफ से नॉर्थ ईस्ट से ही पानी का स्टॉक होना या नल होना, कुआं होना, हेडपंप होना, नीचा होना या पानी का बहाव इस तरफ होना। अब पानी का बहाव जब नॉर्थ ईस्ट में होगा तो सिंपल सी बात है, साउथ और वेस्ट ऊंचा होगा, कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से ये होगा। ये सब चीजें चंद्रमा नेक होगा तभी मिलेंगी, चौथा घर नेक होगा तभी मिलेंगी। ये भी ध्यान करिए, झुकाव होना, ढलान होना। और फिर लाल किताब तो ये भी कहती है, जैसी व्यक्ति की कुंडली होगी वैसा ही उसका मकान होगा। अब कुंडली है क्या? 9 ग्रह और 12 राशियां, 12 घर क्या है? ये एक ऊर्जा समीकरण है, एक ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ। इसके कारण हमारी बुद्धि, हमारा व्यापार, हमारे सारे क्रियाकलाप हमारे मकान के हालात, चाहे वो मकान हमारा है, चाहे हमारे बुजुर्गों का है, चाहे वो किराए का है, सब पे लागू होंगे। क्योंकि जड़ तो क्या है? खाना नंबर चार। नौ बहुत कुछ दे सकता है लेकिन चार के साथ वो बहुत बड़ी मात्रा में दे सकता है, समझिए भाग्य। नौ बहुत कुछ दे सकता है लेकिन चार के साथ मिलके वो बहुत बड़े स्तर पे दे सकता है। बृहस्पति चंद्रमा के साथ चौथे घर में हो तो शुभ होता है, अच्छा होता है, नेक होता है। लेकिन अब मैंने ये तो बोल दिया कि बृहस्पति चंद्र चौथे में, लेकिन ये ध्यान करना पड़ेगा कि चार के साथ अचानक चोट किस किस घर से आ रही है बताइए। ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बृहस्पति चंद्र चौथे में है तो 10वें उनका मित्र बैठा है, शत्रु बैठा है। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अब मैं ये थोड़ी सी यहां चर्चा करूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताइए। और ये सूत्र क्योंकि
बहुत समय से छुपा हुआ रहा है। मैं इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता था, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से मैं कंटिन्यू आप लोगों को दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये रट्टा लग जाए आपके दिमाग में। ये लीजिए, गुरु और चंद्र। आप मुझे ये बताइए, बेसिक बेसिक है लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं। किसी ग्रह को देखने के लिए इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्लियर करिए। मान लीजिए यहां बुध है, अब बताइए ये गुरु चंद्र कैसे होंगे? आप समस्या ये है कि गुरु चंद्र मैंने बोल दिया तो आप सिर्फ रट्टा मार लेंगे, गुरु चंद्र चौथे घर का अच्छा होगा, ये मैं नहीं तो चाहता। खराब होगा सब। कब कब खराब होगा? सीरीज से बताओ, पूरे सूत्रों के सर साथ। गुरु के उम्र में और चंद्र के उम्र में और बुध के उम्र में भी ये टक्कर मारेगा सर, और और राहु के उम्र में भी चौथे घर का ग्रह इनको हानि पहुंचा देगा। बुध की उम्र में, गुरु की उम्र में, चंद्रमा की उम्र में, और फिर जब बृहस्पति और चंद्रमा बुध को देखेंगे तो क्या होगा? 4 से 10 में क्या होगा? हाँ ये भी खराब, हम्म, जाएंगे ना इन 3 10 में। खराब राहुल तुम हो थोड़ी जाएंगे। मेहनत कर लो, मैं तुमसे बहुत खपा हूं। जस्ट पीछे का बोल देते हो और उससे लास्ट भूल जाते हो। गुरु चंद्र दुश्मन को देख रहे हैं तो कौन बर्बाद होगा? हम्म, देखने वाला गुरु मंदा हो जाएगा गुरु जी, साथ अकेला गुरु मंदा होगा। चंद्र भी साथ में है गुरु जी, वो भी मंदा हो जाएगा। चलो जब ये बात आई है तो अब मैं एक बात और कह देता हूं। अब देखो बदलाव मिलेगा आपको। कौन बर्बाद होगा बुध बोलो? बर्बाद हो जाएगा। अब इनको भूल जाओ, बुध क्यों बर्बाद हो रहा? ऐसे बदलाव होते हैं, ये बहुत मेहनत की चीज है लाल किताब, इसमें बहुत मेहनत कर। इसे रफली मत लेना, मैं यही कहना चाहता हूं, टाइम पास में मत लेना। अगर लोगों के मन में मेरे प्रति हल्का सा भी सम्मान है कहीं से, मैं फिर कह रहा हूं बहुत सीरियस हो जाओ, लाल किताब आपको वहां पहुंचा सकती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं आपको वैसे बता दूं, मैं आज अच्छे मूड में क्लास नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। परविंदर जी बैठे हैं क्या यहाँ? हाँ बैठे हैं। बराड़ साहब, परविंदर जी, मिस्टर परविंदर बराड़, ये देखो क्लास लेने वाले। लोग गायब हो जाते हैं, समस्या ये है। गुरु जी खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ गुरु ओके जी। चलो, खाना खाते खाते 1 मिनट के लिए बताइए, आज मेरी जी गुरु जी आज मैं रुष्ट था तो किस कारण से रुष्ट था? यही था जी, जवाब नहीं दे रहे जी। मतलब जो आपने इतनी मेहनत कराई है, सभी को सूत्र याद नहीं रख रहे और जवाब नहीं दे रहे, मतलब यही था। ग्रुप में कोई सवाल पूछते हो तो कोई बोलता नहीं है, बोलना चाहिए। और जो सूत्र बताए हुए हैं उनसे पूछते हो, कोई नई बात तो है नहीं। मेरे 99% स्टूडेंट जो एक चीज चार चार बता चुका हूं ना, चार चार बार, वो ही चीज मुझे दोबारा नहीं बता पाते हैं। एक बार नहीं, 4 बार 6 बार बता चुका हूं, उसको दोबारा वो बता नहीं पाते। पता नहीं यार घास खाते हैं क्या खाते हैं, मेरी हैरानी होती है। और मेरे से ज्यादा सरल तरीके से आप बता दो, किसी का बाप दे सकता है लाल किताब की क्लास, तो बता दो।
या मेरे से ज्यादा कोई दे सकता है? चलो मैं अहंकार की बात कर लेता हूं, दे सकता है तो बता दो, और जो मैं दे रहा हूं इससे आधा भी मुझे अपने गुरुजनों से नहीं मिला है, मैं ये भी बता दूं, और तब भी मैं उनके नाम के लिए नाचता हूं, गुरुदेव महाराज बोलता हूं, तब भी मैं नाचता हूं, इससे आधा भी नहीं मिला, बाकी सारा मैंने अपने दिमाग से पैदा किया, एक एक पॉइंट जोड़ता चला गया, लेकिन बीज मूल तो उन्होंने डाला मेरे अंदर, जो मैं दे रहा हूं इसका इसका, अरे भाई लाल किताब का सम्मान कर लो, रूपचंद जोशी का कर लो यार, मेरे तो जूते मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत कर लो, मेरा सीधा सरल उद्देश्य है, नहीं तो मैं 1 महीना और देखूंगा, नहीं तो मैं सबके पैसे वापिस लौटा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह परमिंदर से मेरी बात हुई है, मेरी आंखों में आंसू थे उस समय कि कोई कर ही नहीं रहा, मैं करूं क्या देके यार, मेरी सुबह आंखों में, मैं बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं हूं, और मैं बता दूं आज ना मैं पढ़ा हूं, क्लास की तैयारी तो भाड़ में गई, मैं पढ़ा तक नहीं हूं आज, मैंने एक भी कुंडली नहीं देखी, मैं इतना अपसेट हूं आज 3 4 दिन से कि कोई मेहनत ही नहीं करके राजी है जो मैं दे रहा हूं, इस चीज पे बहुत कष्ट होता है, ये 1000 1500 रुपए जो आपसे लेता हूँ, ये सारे 70 80 हजार रुपए हर महीने फेसबुक को दे रहा हूं मैं, 3 महीने से कंटिन्यू, नहीं भैया, मेहनत तो कर रहे हैं, कई अरे बार क्या कोई होता नहीं है, कर नहीं रहा बहन जी, समस्या तो भैया यही है, ऐसी बात कोई नहीं नहीं कर है, रहा, नहीं किसी ऐसी बात नहीं है, जवाब ही क्लास में नहीं आ कई रहे हैं बार, लोगों के। हाँ ये बात मैं मानती हूँ, क्लास में कई बार हम लोग जवाब नहीं दे पाते, कई बार मैंने तो पहले ही बताया था, जैसे रात को कभी खाना बनाते हैं या कुछ है, बीच बीच में काम होते हैं, लेकिन आपकी क्लास सुनते भी हैं पूरा। मैं चाहता हूं कि अब मेरे को छुटकारा मिल जाए, मैं 1 साल की सोच के आया था सिर्फ, मुझे 1.25 साल हो गई है और मुझे अब भी उम्मीद नहीं है कि कोई मुझे छुटकारा दे दे और वो क्लासें ले ले, मैं आराम करना चाहता हूं, मेरे पे समय नहीं है, मैं बता दूं आपको, मेरी अपनी पारिवारिक मजबूरियां हैं, मेरी सामाजिक मजबूरियां हैं, और फिर ऑफिस का काम भी ढेर होता है, मैं चाहता हूं कि 2 4 लोग तैयार हो जाएं, करो यार खाओ कमाओ, मेरा नाम रोशन अपने आप हो रहा है, होता रहेगा, और मैं गारंटी से कहता हूं मैं 1 साल से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं टिकूंगा, और मेरा मन किसी दिन भिदक गया, मैं सब लोगों की है ना, जिसकी एक क्लास ही बची होगी उसका भी पैसा पूरा वापस दे दूंगा, 1 महीने में अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला आप लोगों से, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सबके पैसे वापस दे दूंगा, और अभी बता दूं मैंने 10 20% भी नहीं दिया है अभी, इस 1.25 साल से जो जूम पे क्लास कर रहा हूं, जो मेरे दिमाग में फिल्म है ना उसका 10 20% भी नहीं दिया है अभी मैंने, अभी बहुत है, ले लो मेरे भाई, मैं पांव पकड़ के कहता हूँ ले लो, और आगे दो, रखना भी नहीं, ये तो दोगे तो ही बढ़ेगी, बांटोगे तो ही बढ़ेगी, विरासत वाले मत बनना कि हमारी विरासत है, तिजोरी में ताला लगा के रख ली विरासत, कागज की किताब को विरासत बना के तिजोरी में रख ली, उसमें दीमक लग गई, खत्म, वो मत करना, यहां बसाओ, मैं तो सरेआम बोलता हूँ 1173 पेज के 2 लाख से ज्यादा पेज मेरे दिमाग में है, समझने की कोशिश करो, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं बहुत रुष्ट हूं, और 3 4 दिन से नहीं, हफ्ते 10 दिन से मैं रुष्ट हो रहा हूं, क्योंकि मुझे रिप्लाई नहीं मिलते, सबसे ज्यादा मैं रुष्ट राहुल शर्मा से हूं, मैंने लेकिन इसको इसको मैंने आजकल मैं बात तक नहीं करता हूं जल्दी राहुल शर्मा से, क्योंकि ये लड़का पिछला खा जाता है, जस्ट पिछले का ध्यान है इसे, लेकिन उससे पिछला खा जाता है, मेरी बात की बुरी लग रही है भैया, पैसे वापस ले लो, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा आप, क्योंकि मैं 1.25 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद अब है ना मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरे बस की नहीं है इतना ज्यादा टाइम देना, क्योंकि मेरे अपने काम निबट नहीं पाते हैं, और मैं इस क्लास से नहीं कमाता हूं, मैं चौड़े होके बोलता हूँ, स्क्रीन शॉट ऐसा का ऐसा परविंदर बराल को पूछो, परविंदर जी कितने हजार रुपए 1 महीने का खर्चा बताया था मैंने, 83,536 रुपये, 88 हजार कुछ, 88,000 रंजन। और वो आपको भेजा था ना कि देखो परविंदर जी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं नहीं करेंगे, सभी करेंगे, ये हाँ मेरे देखो को ये देखो, भेजा। इतना इतना पैसा 1 1 महीने में किसने फूक रहा हूं, अरे नए लोग आ जाए, नए बैच में जो अभी बेसिक शुरू हुआ है 1540 का, उसमें लगभग 45 लोग बिल्कुल नए हैं, ये सत्य है, अब मैं पुराने लोगों पे उम्मीद छोड़ के उन नए लोगों पे थोड़ी उम्मीद कर रहा हूं कि उनमें से कोई 1 2 3 निकल आए, मेरा घर नहीं चलता इस पैसे से, मैं सरेआम बता रहा हूं, 1000 1500 2 हजार की फीस से मेरा घर नहीं चलता, ये पैसा तो मैं सोशल मीडिया पे ऐप पे दुनिया भर के नेट पे इन पे सब खर्चा कर देता हूँ, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो भी गौशाला में दे देता हूँ जाके, मेरी कमाई असलियत में है और बहुत मोटे लेवल पे, मैं तो कुंडली देखता हूँ 2,500 रुपये लेता हूँ, और उस वो मैं पूरे नहीं कर पाता हूँ,
मैं फिर हाथ जोड़ के पांव पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लो। अगर आप लोग पढ़ गए तो मैं 1 साल और पढ़ाने की सोच रहा हूँ, हो सकता है 2 साल भी पढ़ा दूँ, लेकिन पढ़ो। क्योंकि जिसका उद्देश्य पैसे लेने का होता तो फिर मैं लाख रुपए ना मांग लेता, 50 हजार मांग लेता, चलो छोड़ 10 हजार तो मांग लेता। 10 हजार में भी अगर इस बैच में 72 लोग हैं, 72 छोड़ दो, 20 भी आ जाते तो कितने होते? अगर 20 भी होते तो 2 लाख होते। आपके 72 लोगों के 2 लाख नहीं हो रहे हैं, और 10 हजार मांग लूं तो मेरे पे 20 स्टूडेंट नहीं आएंगे क्या? बात को समझो। लेकिन मैं सस्ता इसलिए दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, जिन पे पैसा नहीं है वो भी पढ़ लें, मैं इसलिए दे रहा हूं, जो गरीब है वो भी आ जाएं। मैं फ्री में 1-2 लोगों को लिंक देता हूं, वो लोग तक हर क्लास में नहीं आते हैं, मैंने उनको देना बंद कर दिया है। फ्री का लिंक देता हूं हर क्लास का कि ये लो आओ, तुम बेटा तुम बहुत गरीब हो। अरे वो गधे लोग आना बंद हो गए, मतलब मेहनत करने का जज्बा ही नहीं है। दुख का कारण एक नहीं है, मैं आपको बताऊं, दुख के कारण भी कई एक हैं, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। बृहस्पति चंद्रमा चौथे घर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अशुभ दृष्टि, अशुभ संबंध जैसे मैंने अभी बना के दिए तो वो सब चौपट हो जाते हैं। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बृहस्पति चंद्र मुस्तरका वाले के पिता को मैंने दलाली करते हुए उसी की मां की देखा है। वैश्यावृत्ति करती है बृहस्पति चंद्र वाले की माता, अगर वो मंदा योग हो जाए, यहां तक देखा है। तो बृहस्पति चंद्र हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा गज केसरी, गज और केसरी, झंडा और गज हमेशा नहीं खड़ा होता। जब कोई ग्रह अच्छा होगा तभी वो अच्छा है। और वो सिम्टम अभी भी कुछ बताए और रूटीन में वो बताता हूं। सिर्फ आप ये कभी मत देखना कि बृहस्पति चंद्र इकट्ठे हैं तो अच्छे ही होंगे, वो महामक्कार भी हो सकते हैं। और कुछ सूत्र आज भी बता दिए आपको, इनको समझिए। सांसारिक हालात से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट तक कर देता है गज केसरी योग, अगर खराब होकर और मंदा होकर हो जाए, मानसिक दुख भोग तक हो जाता है बृहस्पति चंद्र इस तरह में। कोई भी ग्रह ऊंच बैठ के ऊंच नहीं होता, नीच के घर में बैठ के नीच नहीं होता, वो कंडीशन से चलता है। लेकिन बृहस्पति और चंद्र जब इकट्ठे हों और अच्छे हालात में हों तो ऐसे लोगों को ये समझ लो कि वो समाज का मस्तिष्क होते हैं। वो चाहे इकट्ठे हो चाहे अलग अलग अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठे हो, वो चाहे इकट्ठे हो चाहे अलग अलग बैठे हो, मान लीजिए बृहस्पति 1 चंद्र 5, मान लीजिए बृहस्पति 5 चंद्र 9, मान लीजिए बृहस्पति 9 चंद्र 1, ये भी गज केसरी का बाप है, लेकिन अच्छे हालात हो। और बृहस्पति चंद्र इकट्ठे बैठ के भी गजकेसरी का फायदा ना होगा, कुछ कंडीशन अभी भी नेगेटिव मैंने बता दी। ऐसे जांचिए तब चीज खुल के आएगी। अब थोड़े से सूत्र जटिल वो बता देता हूं, जो जो कि खाना नंबर 10 का आंगन है। खाना नंबर 10 का मालिक शनि है, जो कि खाना नंबर 10 का मालिक शनि है, जो कि उसका न्यायाधीश है। खाना नंबर 4 के लिए न्यायकर्ता शनि है। अब ये पॉइंट पकड़ने की कोशिश करिएगा, लाल किताब सूत्रों से थोड़ा हटके बताऊंगा। हकीकत में शनि है जो हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है ऊर्जा केंद्र का, यानी कि शनि का स्थान है वो हमारी कमर पीछे की तरफ, नीचे तिरकाष्ठी में। ये जो योग जानते हैं वो इन चीजों को आसानी से समझ लेंगे। यानी कि शनि हमारे नेगेटिव पॉइंट के ग्रह हैं, यानी कि इनकी तरंग, यानी कि शनि की तरंग हमारे नेगेटिव का काम करती है। अगर यह अपने स्थान पर अपना काम सही से ठीक से कर रही हो और चंद्रमा तक इसकी पहुंच ना हो, तो जातक का चंद्रमा कहीं भी हो वह अशुभ नहीं होगा। यानी कि चंद्रमा नेगेटिव, शनिचर नेगेटिव पॉइंट है हमारी तिरकाष्ठी में, कमर के नीचे पिछले भाग में, हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर, वहां पे शनि का स्थान है हमारे शरीर के अंदर। अगर शनि की दृष्टि वगैरह कुछ भी चंद्रमा पे आ गई
चाहे चंद्रमा कहीं भी हो तो वो अशुभ होगा, लेकिन वो तो हमारे कुंडली के हिसाब से। लेकिन अगर जो त्रिकाष्ठी में जो शनि का नेगेटिव पॉइंट है और चंद्रमा तक उसकी पहुंच ना हो, अब ये योग सूत्रों की बात है लाल किताब से हटके, तो जातक का चंद्रमा कहीं भी हो वो कभी भी अशुभ नहीं होगा। और अगर वो अकेला हो तो फिर दूसरे अन्य ग्रहों से भी संबंध देखा जाएगा। अब यहां पे एक बड़ा सूत्र खुल के आएगा कि मैंने बोला खाना नंबर 4 का न्यायाधीश जज है। अब उस सूत्र को समझना, अगर शनि ऊंच का हो जाए, ऊंच का मतलब अच्छा हो जाए, नेक हो जाए, बस कोई ग्रह कहीं ऊंच नहीं कहीं नीच नहीं, वो कंडीशन पे अगर ऊंच हो जाए तो समझ लो बाकी तो सब दिखावा है। तो व्यक्ति की उन्नति पे उन्नति, तरक्की पे तरक्की होती जाए। लेकिन अगर शनि मंदा हो जाए, नीच हो जाए, वो खाना नंबर 1 में भी हो सकता है, वो खाना नंबर 7 में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो नुकसान नुकसान पे नुकसान, क्योंकि यह सीधे चंद्रमा के शनि का काम है, चंद्रमा के मध्य केंद्र पर ताकत देता है, शक्ति देता है। चंद्रमा की जो प्रकृति है वो शनि की प्रकृति पर निर्भर करती है, चंद्रमा की जो प्रकृति है वो शनि की प्रकृति पर निर्भर करती है, और शनि को मस्तिष्क का देवता कहा गया है और विचार चंद्रमा के हैं, विचार राहु के भी हैं, अनएक्सपेक्टेड अकस्मात आने वाले वो अलग चीज है, चंद्रमा के विचार अलग चीज है। थोड़ा गहराई में सोचने की कोशिश करिए समझने की। शनि को मस्तिष्क का देवता माना गया है, यानी कि मस्तिष्क के प्रभावित होने, अब मस्तिष्क किससे प्रभावित होगा, उसका देवता कौन है, शनि से। सूत्र को समझना, और मस्तिष्क के विचार, और मैंने क्या बोला खाना नंबर 4 का न्यायाधीश है शनि, यानी कि शनि नेक होगा, क्योंकि चंद्रमा की सोच विचार की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो उस पर डिपेंड कर रही है। सूत्र को समझने की कोशिश करिए, शनि का नेक होना, ऊंच होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है चंद्रमा के लिए, शनि बहुत ज्यादा जरूरी ग्रह है नेक हालात में, ऐसे समझ लो, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क प्रभावित होगा तो चंद्रमा का संबंध भी है वहां पे बैठे हुए विचारों से, बनने वाले विचारों से, ये ध्यान करिए। और जब शनि मंदा हो जाए तो उसके मस्तिष्क में उठने वाले विचारों में क्या आ जाएगी, जड़ता, काम, क्रोध, हिंसा, कठोरता, ये आ जाएगी, निर्ममता, संवेदनहीनता, ऐसे तक हालात आ सकते हैं। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि शनि शरारती है या नेकी की तरफ है, कहीं शनि प्रदूषण तो नहीं कर रहा है मस्तिष्क में, और उस मस्तिष्क में जो विचार उठेगा चंद्रमा का, फिर वो भी प्रदूषित हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र है। और खाना नंबर 4, और 4 में बैठे हुए ग्रह, उनसे पता चलेगा हमारी माता के सुख दुख, माता से मिलने वाला प्रेम ममता, मातृत्व भाव किस हालात का होगा। ये खाना नंबर 4 का शारीरिक सेहत से कम ताल्लुक है, इसका हमारे मानसिक तरंगों से ज्यादा ताल्लुक है। इस खाना नंबर 4 से, इस खाना नंबर 4 के घर से नाना नानी, मामा मौसी का भी ज्ञान मिलता है, लेकिन
उनके स्वभाव कि उनके आचार विचार कैसे होंगे, सिर्फ इतना। यहां अच्छे ग्रह हों तो इन सब के स्वभाव अच्छे होंगे, मंदा होगा तो मंदे होंगे। और खाना नंबर चार अगर बुराई पे आ जाए तो नाना मामा के परिवार पे भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये मत इसको काउंट करना कि मामा कितने होंगे या नाना कितने होंगे या मौसी कितने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन पे परिवार पे असर पड़ता है खाना नंबर चार का। सिर्फ और सिर्फ सफेद घोड़ा चंद्रमा से संबंधित है, काला घोड़ा शनि से संबंधित है। भूरा घोड़ा होगा तो सूरज से सभी घोड़े चंद्रमा से संबंधित नहीं है, सिर्फ सफेद घोड़ा चंद्रमा से संबंधित है। जब कपड़ों की बात हुई थी तो मैंने सफेद कपड़ा थान वाला बोला था, ये भी ध्यान करिए। पालतू जानवरों में कुत्ता भी खाना नंबर चार से संबंधित है, कुत्ता भी खाना नंबर चार से संबंधित है। दूध देने वाले जीव चौपाए, गाय भैंस बकरी ऊंटनी भेड़ आदि जो दूध देती हैं, वो भी खाना नंबर चार से संबंधित है। चौथे घर का संबंध हमारे दिल से, हमारे दिल की भावनाओं से। हमारे दिल में पंप होने वाले खून से, हमारे हृदय से। और हृदय में जो धड़कन होती है उसका सूरज से भी संबंध है। हृदय की धड़कन का संबंध सूरज से भी है, लेकिन जो पंपिंग है ब्लड की वो चंद्रमा से संबंधित है। बात को समझिएगा। और इसी चंद्र रूपी अमृत के कारण हमारा शरीर बढ़ता है, दिल धड़कता है, और इसी खून की पंपिंग के कारण हमारा शरीर जीवित रहता है, निर्जीव नहीं होता। एक बृहस्पति की सांस है और एक चंद्रमा की पंपिंग है ब्लड की, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में। ये बात को समझिए। चौथा घर हमारी भावनाएं, हमारे हृदय की हालत, हमारे रक्त के प्रवाह की भी जानकारी देता है। अगर स्त्री है तो गर्भ स्थल, गर्भाशय की भी जानकारी इस खाना नंबर चार से मिलती है। चौथा भाव हमारी कल्पनाशीलता, विचारों के अलावा हमारी कल्पनाशीलता, विचार से पहले कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ये भी ध्यान करिए। हमारी कल्पनाशीलता, कल्पनाएं, अगर अशुभ हालात हो जाएं तो हमारी कल्पनाएं गंदी हो जाएंगी, जब कल्पनाएं गंदी हो जाएंगी तो हमारे विचारों में भी प्रदूषण आ जाएगा। इस खाना नंबर चार में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव विशेषकर रात को होता है, जो मैंने पहले खुल के बताया। और ये खाना नंबर चार के ग्रह हर बड़ी मुसीबत में जाग जाते हैं, और खास तौर से बुढ़ापे में जब कहीं से कोई मदद ना हो तो ये मदद देते हैं। इस खाना नंबर चार में शनि और मंगल लगभग लगभग अशुभ ही होते हैं, राहु केतु यहाँ पे धर्मात्मा होते हैं लेकिन छेड़े न जाएं, क्योंकि राहु केतु खाना नंबर चार में मौन हो जाते हैं, यानी कि उनका नेक और मंदा दोनों प्रभाव शून्य हो जाता। चंद्रमा खाना नंबर एक चार सात दस में ना हो, यानी कि चौथा घर खाली हो, केंद्र के स्थान खाली हो, बंद मुट्ठी के घर खाली हो, तो चंद्रमा का फल अच्छा ही होता है, यानी कि खाना नंबर चार ही चंद्रमा के फल दे देता है। खाली खाना, वेशक चंद्रमा केंद्र स्थान के अलावा 2 3 5 6 8 9 11 12 में बर्बाद हो रहा हो तब भी। और फिर वही सूत्र है, अगर खाना नंबर चार अच्छे हालात का, नेक हालात का, शुभ हालात का हो तो जिसमें कि तासीर चंद्रमा जैसी ऊंच या नीच जैसी हो, यानी कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नष्ट ना रहा हो। अगर अशुभ ग्रहों में फंसा होगा तो गड़बड़ होगी, हमेशा तासीर अच्छी हो या बुरी हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाना नंबर चार में कोई ग्रह हो और चंद्रमा एक साथ चार दस के बाहर हो तो खाना नंबर चार का नेक असर मिलेगा, बेशक चंद्रमा नष्ट हो रहा हो। अब एक सूत्र है खाना नंबर चार का, इसको ध्यान करिएगा। ये दोहे में मैंने बोला था,
आठ तीजा छह टेवे मंदा मौत बहाना चौथा हो। आठ तीन छह, आठ तीन छह, सूत्र को समझिएगा आप। हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर आठ, खाना नंबर तीन और खाना नंबर छह मंदे हो रहे हैं और चौथे घर में पापी हो, तो मौत तक का बहाना बन जाते हैं, यानी कि मुसीबत तो आएगी ही आएगी। एक सूत्र है खाना नंबर तीन पे, इसी से संबंधित, ये चार से तीन पे वापस चला गया हूं, कि तीन में पापी हो और उसी समय छह और आठ मंदे हों तो मौत नहीं तो गर्दिश होगी। वो खाना नंबर तीन के लिए है और खाना नंबर चार के लिए भी इनका उपयोग किया गया है। कैसे किया है? आठ तीन छह, तो तीन के लिए आठ और छह हैं और चार के लिए भी वही दोनों घर ले लिए गए, छह और आठ, और तीन भी जोड़ दिया गया। अब ये मौत बहाना कैसे बनेगा, उसको समझ लीजिए। एक बार आपके आगे स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं। आठ तीन छह मौत बहाना गढ़ता हो, ये लीजिए। ये हमारा, एक सेकेंड, कर्सर, ओके। तीन चार के साथ लगता हुआ है, छह आठ पाताल की लहरी है और चार छह का क्या संबंध है? चार छह का क्या संबंध है? पाताल की अचानक से लहरें, एक मंदा होगा तो अचानक दोनों मंदे हो जाएंगे। चार के लिए छह के साथ अचानक चोट का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। आठ तीन छह और आठ टक्कर किसे मारता है? आठ से आठ में टक्कर कहाँ जाती है? तीन को जी, तीन को कुछ खुला राज नहीं खुला। जब ये इसका संबंध बनेगा तो छह कुदरती इन्वॉल्वमेंट रखता है आठ के साथ, पाताल की लहरें मिले मिलाए माने गए हैं, और एक मंदा तो दोनों मंदा, सोचो। और तीन में भी कुछ हालात हो तो आठ का तीन को क्या हाल करेगा? तीन जब खराब होगा तो तीन से फिर छह का क्या संबंध है? धोखे का जी, धोखे का, धोखे का। कुछ हुआ क्लियर? एक तो गिरे नॉर्मल होके, धोखाधड़ी या अचानक चोट मार रहा है, लेकिन एक गिरे कुड़ के, किलस के, बुराई के साथ, मंदे हालात में, पिटा कुटा बुरी तरीके से परेशान होके झगड़ा फसाद कर रहा है। दोनों में फर्क होता है, मैंने आज ये बात पहले इसीलिए बोल दी थी क्योंकि मुझे ये बोलना था। नॉर्मल वे में एक ग्रह साधारण रूप में लगन में बैठा है, मेरी बात समझना, एक ग्रह साधारण रूप से ठीक ठाक हालात में खाना नंबर एक में बैठा है। मान लीजिए वो शुक्र है, वैसे तो शुक्र राहु को मंदा करता है, उदाहरण दे रहा हूं तो मैं लिख ही देता हूं। मान लीजिए शुक्र नॉर्मल हालात का, और शुक्र का दुश्मन खाना नंबर सात में बैठा है, उदाहरण है समझिएगा। तो शुक्र सात में घर के ग्रह के साथ दुश्मन है तो दुश्मनी भरे भरे संबंध कर रहा है, लेकिन अगर शुक्र के ही अपने घर में
अब बताइए, मिकदार जहर की बढ़ेगी या घटेगी शुक्र की, बताइए। जाएगा सर। बढ़ेगी। हाँ सर, अब क्योंकि शुक्र में और जहर साबित, और जहर मिल गया आके, एक तो जहर शुक्र में प्राकृतिक रूप से है कि खाना नंबर 7 में उसका दुश्मन बैठा है, मान लो मैं मुंह नहीं बिठा देता हूं। अब आप देखेंगे शुक्र देख रहा है चंद्रमा को, और मेरा जैसा बेवकूफ देखेगा शुक्र राहु की जहर को लेके चंद्रमा को देख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिकदार बढ़ गई, एवरेज बढ़ गई, जहर की मात्रा बढ़ गई, दुश्मनी की मात्रा बड़ी हो गई। अब हुआ कुछ क्लियर? राहु शुक्र का साथी ग्रह है, राहु का असर शुक्र पे है, शुक्र राहु के असर से पागल हो गया है, एक नॉर्मल शुक्र एक में बैठ के चंद्रमा को देख रहा था, बात को समझो। अब शुक्र राहु के असर से पगलाया हुआ बौराया हुआ कुत्ता, जिसकी पूंछ सीधी हो जाती है, किसी को काट ले तो मौत तक हो सकती है, जहरीला रेबीज, अब शुक्र की हालत वो हो गई। एक सरल लैंग्वेज में समझाने की कर रहा हूं, कई बार गलत शब्द भी इस्तेमाल कर देता हूं, बात को समझो। इस तरीके से तो यहां पे ऐसे समय में बुराई की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए पंडित रूपचंद जोशी ने लिख दिया 8 3 6 टेवे मंदे मौत बहाना गढ़ता हो, यानी कि खाना नंबर 8, खाना नंबर 3, खाना नंबर 6 अगर मंदे हो और फिर लिखा है चौथे में पापी हो, ये भी कंडीशन है, तीसरे में भी पापी की कंडीशन थी 6 और 8 के समय, चौथे में भी पापी की कंडीशन है, क्योंकि छठे घर में पापी की कंडीशन है कि वो छेड़े ना जाए, लेकिन जब ये कंडीशन बन गई तो पापी को छेड़ने की जरूरत है क्या, या पापी छिड़े छिड़ाए हैं, बोलो। इस कंडीशन में मैं पापी को ही एक को बिठा देता हूं, ये लीजिए राहु, ये लीजिए। अब इस राहु को छेड़ने की जरूरत है या राहु छिड़ा छड़ाया है, क्योंकि ये भी मंदा है, मान लो यहां बुद्धि हो मंदा, भैया म्यूट हो जाओ, अनम्यूट कौन है, मान लो बुध वहां है यहां शनि हो जाए, बात को समझना, उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप कॉम्बिनेशन जोड़िए, मान लो 8 में कौन मंदा हो सकता है, केतु मंदा हो जाता है, मैंने केतु बिठा दिया जनरली, क्योंकि एक उदाहरण देना है। अब बताइए चौथे घर के ग्रह को टॉयलेट बनवाने की जरूरत है क्या, बुराई देने के लिए, छत पे कोई निर्माण नहीं, अपने करवाने आप की बुरा जरूरत हो है, बची कुछ गया। बताओ, नहीं सर, ये अपने आप ही बुरा हो गया। अपने आप ही बुरा हो गया, बस सिंपल सा लॉ है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो किताब में लिखा है कि 8 3 6 मंदे टेवे मौत बहाना गढ़ता हो, मौत बहाने ये हो गया, क्लियर हुआ, कोई डाउट है कि खाना नंबर 8, खाना नंबर 3, खाना नंबर 6 कुंडली में मंदे होंगे और चौथे में पापी हो तो मौत का बहाना होगा, सिंपल सा लॉ, कुछ क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को? फिर एक दो सूत्र हैं, ये भी क्लियर कर देता हूं, चौथा घर खाली हो तो उम्र भर नेक असर देगा, लेकिन चंद्रमा केंद्र स्थानों के अलावा, और अगर चौथे घर में कोई ग्रह हो तो वह चंद्रमा के असर से भरा हुआ होगा, चंद्रमा की तासीर जैसा होगा, उसमें ममत्व भाव आ जाएगा, और खास तौर से शुक्र में तो बहुत ज्यादा आएगा, सूरज में भी आएगा और बृहस्पति में भी आएगा, ये भी ध्यान करिए। पापियों की कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी, मंगल वहां पे बदी की तरफ चला जाता है, मांगलिक भी हो जाता है, वो भी बता दिया, वो नीच का भी है, ये भी ध्यान करना पड़ेगा। तो सब ग्रहों को कि बस किताब में लिख दिया कि तासीर चंद्र वो होता हो, तो पहले तो ये ध्यान करिए, अब चंद्रमा की तासीर जैसा चंद्रमा होगा फिर वैसी तासीर होगी, क्योंकि नेक असर 4 कब देगा, जब खाली होगा, और ये खाना नंबर 4 देगा नेक असर, लेकिन जब कोई ग्रह बैठा होगा तो वो चंद्रमा जैसा होगा, यानी कि कुंडली में जैसा चंद्रमा बैठा होगा, जैसा कुंडली में चंद्रमा बैठा होगा, जैसी चंद्रमा की तासीर होगी, आदत होगी, आचार विचार स्वभाव होगा, अच्छा या बुरा, मान लीजिए चंद्रमा बुध के साथ है फिर क्या होगा, चंद्रमा शनि के साथ है फिर क्या होगा, चंद्रमा राहु के साथ है फिर क्या होगा,
चंद्रमा केतु के साथ है फिर क्या होगा, और चंद्र बृहस्पति के साथ है तो बात अलग हो गई, चंद्र मंगल के साथ है तो बात अलग हो गई, इस बात को ध्यान करिए। तो वैसी तासीर उसकी हो जाएगी जैसा चंद्रमा है, वो तासीर चार की नहीं ले रहा है, तासीर वो चंद्रमा की ले रहा है। और असर कहां जाएगा उसका, जो भी अच्छा बुरा असर होगा तासीर चंद्रमा के अनुसार, जहां शनि बैठा होगा, यानी उस घर को जाके जहां शनि बैठा है उसको घटाएगा या बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर चार का जज शनिचर है, इसलिए ये है कारण। आज यहीं तक रुकता हूं, आज थोड़ा मूड उखड़ा हुआ है, आज और ज्यादा कर नहीं पाऊंगा।